आज हम बात करने वाले हैं सीड्स के बारे में। आपने बहुत से सीड्स के बारे में सुना होगा, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, बेसिल सीड्स हैं। क्या मिलता है इन सीड्स को खाकर, क्या इनके फ़ायदे हैं, कहाँ से हम ये सीड्स खरीद सकते हैं, इनको कैसे खाना चाहिए, इनको खाने का सही तरीका क्या है, क्या दो सीड्स को मिक्स करके खा सकते हैं, इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, क्या बच्चों को ये सीड्स देने चाहिए, क्या चिया सीड्स और बेसिल सीड्स सेम होते हैं। ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो ये वीडियो उसी पर है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि सीड्स हमें क्यों खाने चाहिए। सीड्स से हमें फाइबर मिलता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, कई इंपॉर्टेंट विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और अगर ये हमारी डेली डाइट का हिस्सा बन जाए तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। और भी कई फायदे हैं सीड्स खाने के, जिसे मैं आज डिटेल में बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सीड्स हमें अपनी डेली डाइट में लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो बहुत से लोग उसे एज अ प्रोटीन सोर्स अपनी डाइट में ज़रूर लेते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रखते हैं। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इतने सारे फायदे होने के बावजूद ये कैलोरीज में बहुत ही कम होते हैं। ये सीड्स बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट आप 1 साल के बच्चे को भी चिया सीड्स दे सकते हैं। इसमें प्रोटीन है और हेल्दी फैट्स हैं, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ एक अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच चिया सीड्स लिए हैं और इन्हें 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। भिगो देने से इसके जो सीड्स हैं वो इस तरह से फूल जाते हैं। आप इसे 1 रात पहले भी पानी में भिगोकर रख सकते हैं। तो जब ये सीड्स ऐसे फूल जाएं, तब इन्हें खाना है, और यही इसे खाने का सही तरीका है। आप इसे नींबू पानी में डाल के ले सकते हैं, या फिर जूसेस में, रायता, शेक्स, दलिया, ओट्स, पुडिंग्स, किसी भी चीज़ में मिक्स करके ले सकते हैं। आप चाहें तो सैलड के ऊपर डालकर भी इसे ले सकते हैं। इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, आप जिस भी चीज़ में इसको डालते हैं ये उसका फ्लेवर अडेप्ट कर लेता है। अब बात करते हैं कि ये वेट लॉस में कैसे फ़ायदेमंद है। जब भी आप चिया सीड्स को खाते हैं तो ये आपके स्टमक में जाकर एक्सपैंड हो जाते हैं, जिससे आपको भूख नहीं लगती और साथ ही आप कम खाते हैं। ये सीड्स आपको किसी भी किराने की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगले हैं बेसिल सीड्स, यानी कि तुलसी के बीज। इसे सब्जा बीज भी कहा जाता है, और ये बीज आपने ज़्यादातर फलूदे में देखे होंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या चिया सीड्स और बेसिल सीड्स सेम होते हैं। ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये हैं चिया सीड्स और ये हैं बेसिल सीड्स। ये देखने में चाहे एक जैसे लगते हो, पर इन दोनों के फायदे अलग हैं, और इन दोनों को ही डाइट में लेना ज़रूरी है। बेसिल सीड्स पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पेट को ठंडक देते हैं, तो जिनको भी स्टमक बर्न, एसिडिटी वगैरह के इश्यूज रहते हैं, उन्हें इसे ज़रूर लेना चाहिए। ये आयरन का रिच सोर्स है, तो जिन्हें भी आयरन डेफिशिएंसी है उन्हें भी इसे ज़रूर लेना चाहिए। आयरन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। इतना ही नहीं, इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है, इसलिए ये डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी हाई फाइबर फूड्स होते हैं वो वेट लॉस में मदद करते हैं, इसलिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी ये सीड ज़रूर अपनी डेली डाइट में लें। इसको लेने से हमें विटामिंस भी मिलते हैं, जो कि हमारे स्किन और हेयर को और बढ़िया करते हैं। अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें हल्का सा तुलसी का फ्लेवर आता है, और इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसे भी भिगोकर ही खाना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके भी जो सीड्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इस तरह से जेल की तरह बन जाते हैं। इसे भी आप नींबू पानी में ले सकते हैं, या फिर घर के बने जूसेस में, फलूदा, शरबत, स्मूदीज, सैलड्स, किसी भी चीज़ में डाल के ले सकते हैं। बेसिल सीड्स भी बच्चों को दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी डाइजेशन अच्छा करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगले हैं फ्लैक्स सीड्स, जिन्हें कि अलसी के बीज भी कहा जाता है। मार्केट में आपको इसके बहुत से ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लैक्स सीड ऑयल आता है या कैप्सूल्स आते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड को खाने का बेस्ट और नेचुरल तरीका है कि आप इसके सीड्स को ही खाएं। फ्लैक्स सीड्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि गुड फैट्स होते हैं, और ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैंसर से बचाते हैं। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो आपकी हार्ट हेल्थ को और अच्छा करते हैं, और साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप इसे हर रोज़ लेते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी इम्प्रूव होते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी इसे अपने डाइट में हर रोज़ लें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन्हें भी ये सीड्स लेने चाहिए, क्योंकि इसमें भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही इसे खाने से हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मिलता है। इतना ही नहीं,
फ्लैक्स सीड्स खाने से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। अब बात करते हैं कि फ्लैक्स सीड्स को खाना कैसे है। फ्लैक्स सीड्स खाते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि इसे हमेशा पीस कर खाएं। अगर आप बिना पीसे इसको खाते हैं तो आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आपको बाज़ार में बहुत से रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो घर पर इसे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। फ्लैक्स सीड पाउडर को आप रायते में डाल के ले सकते हैं, सूप्स में ले सकते हैं, करीज में ले सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही एक चम्मच एक ग्लास पानी के साथ ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स भी बच्चों को दिए जा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सीड्स चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सेस में लेंगे तो वो नुकसान कर सकती है, इसलिए क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा मार्केट में आपको और भी बहुत तरह के सीड्स मिलते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, हेम्प सीड्स, पॉपी सीड्स। सभी सीड्स के ढेरों फायदे हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा। तो अगर आप अब तक सीड्स नहीं खाते थे तो अब से खाना शुरू करें। आजकल मार्केट में मिक्स सीड्स भी मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आई होप सीड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे वो आंसर हो चुके हैं। अभी भी आप कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर यूजफुल लगे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।